गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रल कैलकुलस में डबल और ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर हैं और उनको हम सोल्व करेंगे। ये अच्छी क्वेश्चंस हैं। ये देखो आप, 1/0 y इंटर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, इसको हम इवल्यूट करना है। अब इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, x बराबर y दिया और x बराबर अंडर रूट y दिया हुआ है, y बराबर 0 दिया हुआ है, y बराबर 1 है। तो इनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपका x एक्सिस होगा, ये आपका y एक्सिस होगा। अब देखो क्या प्लॉट हुआ ग्राफ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, ये आपका सर्कल हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। x बराबर वाई लिखे स्टेट लाइन है, ये x बराबर अंडर रूट वाई है, ये आपका हो गया, y बराबर है 1 हो गया, ये हो गया और ये x बराबर है 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप, इस समाकलन से स्पष्ट है कि पहले x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखो पहले x के साथ है, उसके बाद हमको किसके साथ करना है, y के सापेक्ष अवकलन करना है। ये देखें आप गिरा हुआ है इन चित्रों से, इसमें अभीष्ट समाकलन क्षेत्र में क्षितिज एक्स एक्स के समांतर पट्टियां होंगी। ये क्या पट्टियां हैं, एक्स एक्स के समांतर पट्टियां ले ली। अतः पहले एक्स के सापेक्ष वाई को अचर मानकर समाकलन करें, पहले हम एक्स के साथ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद हम वाई के साथ करेंगे, उसके पश्चात एकल चर वाई के फलन रहेगा जिसका समाकलन कर मान ज्ञात करेंगे। ओके, अब ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखें आप, यहां तक पहुंच जाओगे, y आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिए और इंटीग्रेट करने के बाद में ये वैल्यू जो आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखें आप चलते चलते यहां जाओगे, इसके बाद आप यहां पहुंच जाओगे, ओके आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का है, ये भी आप आराम से सोल्व कर पाओगे, डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन इन योर माइंड। ये इलिप्स का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर है, इसको आप सिंप्लीफाई किए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2xy हो जाएगा। ये आपकी इलिप्स सही, इलिप्स के आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, वाई स्क्वेयर बी स्क्वेयर बाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई की प्लस माइनस आ जाएगा आपका, ये हट जाएंगे और ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इलिप्स आप जानते हो ये होती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए, निकालोगे ये आ जाएंगे, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स डैश के, ये वाई कोऑर्डिनेट्स और ये वाई डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालें, ये आपका सेंटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, वाई के कोऑर्डिनेट्स ही आ गए, दो कोऑर्डिनेट्स वाई के आ जाएंगे, आप देखिए आप, ठीक है। अब आप यहां तक आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है, आगे बढ़िए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy है, 2xy 0 हो जाएगा आपका, और ये b बाई माइनस बी हो तो 2a में कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन आपका, तो आप ये चलते जाएं आप यहां पर। इसके बाद क्या होगा आपका, ठीक है, यहां पहुंच जाओगे, ये काम आपको करना पड़ेगा स्वयं, थोड़ा लंबा है पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ तक आ जाओगे। चलें अब देखो आप, अब ये इंटीग्रेशन सोल्व आसान नहीं है सोल्व करना, तो इसके लिए हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे, x बराबर a साइन थीटा पुट कर देंगे, साइन पुट थीटा ही इसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, आप जानते हो 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा लिमिट्स कैसे कन्वर्ट कर जाएंगे, तो उसी प्रकार से आप निकालें, कन्वर्ट कीजिए, इनको पुट कर दीजिएगा। देखो आप बारी बारी से यहाँ तक पहुँच जाओगे, ये क्या चीज़ होगा, ये बीटा गामा फंक्शंस को बड़ा फार्मूला लगाएं, लगा दोगे, ओके चलते जाएं आप। ये लेंगे आप गामा 2+1 हो जाएगा, गामा 2+1/2 हो जाएगा, 2 गामा 2 2 हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा, ये देखें आप, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर आ जाएगा, तो इस प्रकार करेंगे, धीरे धीरे करेंगे कि इसमें आपका
पूरी माइंड की कैलकुलेशंस आ जाएंगी, पूरा चैप्टर सोल्व हो जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे कि हमको इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, इंटीग्रेशन को दो भागों में बांटना है वो कैसे बांटते हैं, ये सब कुछ आ जाएगा। थैंक यू।